जो भी गैराज पे मैकेनिक है तो उनकी जब गाड़ी कोई कस्टमर की आती है और ठीक करके वापस भेजते हैं तो कई बार वो रीजॉब के लिए आती है, कोई ना कोई कुछ कमी होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो वापस आते हैं। तो अब जगदीश भाई से जानते हैं कि ये रीजॉब के लिए वापस गाड़ी नहीं आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? जगदीश भाई, सर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी वर्कशॉप वाले को बहुत ही परेशानी होती है रीजॉब के लिए। कैसा होता है कि रीजॉब आता है तो सब काम छोड़ के सर उसके काम पे पीछे वापस लगना पड़ता है, तो जो रेगुलर कस्टमर का जो काम चल रहा है वो काम बंद करवाना पड़ता है जी। मतलब रीजॉब आया तो उसका मुनाफा तो मतलब प्रॉफिट तो गया, लेकिन दूसरे कस्टमर को टाइम से गाड़ी नहीं दे पाते। तो रीजॉब कम आए इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन देता हूँ कि आपको क्या करना है कि सर आप गाड़ी आने के बाद उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस करना है मतलब स्कैनर से डायग्नोसिस नहीं करना है जी, आपको पूरा गाड़ी देखना है। देखने के बाद ये पूरा डिटेल इसमें फिल करना है कि भाई कौन से काम के लिए, कस्टमर को भी थोड़ा सुनो और गाड़ी को भी थोड़ा सुनो, गाड़ी को क्या काम करना है और कस्टमर क्या काम बोल रहा है वो ध्यान से आप सुनो और इसमें नोट करो। नोट करने के बाद उसको प्रॉपरली एस्टिमेट मत दो उसी टाइम। कस्टमर को बोलो भाई मैं पूरा गाड़ी चेक करने के बाद उसको एस्टिमेट दूंगा या कॉल करके आपको एस्टिमेट बताऊंगा। ऐसा करके आप पूरा गाड़ी देखो। और सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन में ज़्यादातर सर वही प्रॉब्लम आता है, सस्पेंशन में काफ़ी पार्ट डाल देते हैं वो लोग जी। और काफ़ी पार्ट डालने के बाद एक्चुअल में जो पार्ट डालना रहता है ना वो रह जाता है और दूसरा पार्ट डाल देते हैं। तो उसी टाइम क्या होता है सर, वो पार्ट्स तो डाल दिया और कस्टमर को गाड़ी दे दिया, कस्टमर वापस कंप्लेन करने आ जाते हैं भाई खड्डे में गिरने के बाद वापस आवाज़ चालू हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कस्टम मैकेनिक को सब काम छोड़ के उसका काम के पीछे वापस लगना पड़ता ही पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए आप प्रॉपर डायग्नोसिस करो कि सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम है, माउंट का प्रॉब्लम है, शॉक अप्सर का प्रॉब्लम है, लॉरम का है, बॉल जॉइंट का है या फिर स्टेबिलाइजर लिंक का है या बैलेंस रोड बुश का है। ऐसा प्रॉपरली आप देख के काम करो तो बहुत बेहतरीन काम होगा और रीजॉब नहीं आएगा, 100% रीजॉब नहीं आएगा। और बाकी आप कस्टमर के साथ बात करते हो तो आप उसको बोलो एक्स्ट्रा काम आप कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी काम ऐसा है मैकेनिक भाइयों जो एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, सर उसका कोई चार्ज नहीं लगाते। जैसे मैं बोला कि एक्स्ट्रा काम करते हो तो इसमें आप नोट करो और कस्टमर को बताओ कि भाई मैं आपका एक्स्ट्रा काम भी कर रहा हूँ जी, आप वो बताते ही नहीं हो। और दूसरी बात, आप मैं बोला कि भाई डायग्नोसिस करना है तो सस्पेंशन के बारे में मैं आप अभी एग्जांपल के साथ बताता हूँ डीप में। ये देखो ये जंपर माउंट है, ये जंपर माउंट आपको दिखने से सही लग रहा है लेकिन उसकी कंडीशन वैसे खराब हो गई है। ये जंपर बेयरिंग है, ये खोलने के बाद ही पक्का अपने को मालूम पड़ेगा कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि अपन जो एस्टिमेट देना है एक बार गाड़ी को पूरा चेक करें, खोले पूरा 100% चेक करना है जी। क्योंकि खोल फिटिंग का चार्ज उसको बोल देंगे सर के एक बार खोल फिटिंग का चार्ज ले लेंगे हम लोग। हाँ जी, लेकिन प्रॉपर चेक कर। अभी देखो ये बैलेंस रोड बूस्ट बिना खोले सर नहीं पता चलेगा। ये देखो ये शॉकर है, ये शॉकर क्या है मैकेनिक भाई ऐसे देखते हैं कि लीकेज हो गया है, इतना नहीं देखना है, ये भी देखना है इसको पुश करके। ये देखो ओवर टाइट हो गया है, ओवर टाइट हो, जितने भी इसमें माउंट डालूंगा सब माउंट खत्म कर देंगे, रबर के माउंट पूरे खत्म कर देंगे, क्योंकि शॉकर लोड ले ही नहीं रहा है। शॉकर को जितना फ्री होना चाहिए इतना फ्री है ही नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ कि सस्पेंशन में चेक करना है तो कंपलसरी आप गाड़ी को नीचे से देखो एक बार, आप नीचे से परफेक्टली उसको देखो और बाद में उसको एस्टिमेट करो। एस्टिमेट देने के बाद सर रिजॉब कम आएगा क्योंकि प्रॉपरली आपका गाड़ी चेक किया हुआ रहेगा और प्रॉपर आप सबने नोट किया है तो। और फिर कभी कभार कैसा होता है सर कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है भाई मेरे को इतना नहीं इतना ही खर्चा करना है, इतने खर्चे में मेरा गाड़ी बन जाना चाहिए, उस टाइम आप नोट करो जॉब कार्ड के अंदर और उसको दिखाओ कि भाई देखो आपने डालने नहीं दिया इसके लिए ये प्रॉब्लम आया। उसको रिजॉब नहीं बोल सकते हैं, अगर कस्टमर ने परमिशन दिया और सारे पार्ट डाले आपने और इसको कुछ भी इश्यू आता है उसको रिजॉब बोलते हैं। जैसे कि सर अपने को मैकेनिक भैया को क्या क्या ख्याल रखना है, पहले तो ये नोट कंपलसरी आपको करना ही है, लिखना ही है कंपलसरी, क्योंकि आपने इस ये रहेगा कस्टमर का तो अपने को कस्टमर को बता पाएंगे भाई ये सिचुएशन में ये काम मैंने किया था और कुछ अभी दूसरा प्रॉब्लम है। क्योंकि कस्टमर को समझ नहीं आता है कि भाई प्रॉब्लम कौन सा है, उसको तो साउंड से खाली सस्पेंशन का काम किया, भले पछी पीछे के साउंड से पीछे के सस्पेंशन से साउंड आता हो वो आपके ऊपर ही आके ब्लेम करेगा। इससे अच्छा आपने नोट किया हो रहेगा तो कस्टमर को बता सकते भाई देखो आप अगर मेरा काम में है तो मैं इन्वॉल्व कर लेता हूँ, अगर नहीं है बाहर का काम है तो उसको आप बोल सकते हो। पहला जैसे आप एस्टिमेट भी देते हो तो उसमें वो बोलता है कि मेरे को ये मत डालना। हाँ यस यस, तो मैं इतना खर्चा नहीं करूँगा तो इसमें रहेगा तो दिखा सकते हैं रीजॉब कम करने के लिए जी। बाकी सर मैंने बताया कि पूरा गाड़ी को बराबर
कितने तरीके से चेक करना है, आप बराबर तरीके से चेक करो, बाद में एस्टिमेट दो, एस्टिमेट देने की जल्दबाजी मत करो। डायग्नोसिस करने के बाद काम इजी हो जाता है, फिर आप स्पीड से भी काम कर सकते हो। और सर तीसरा मुद्दा है, एक बार आपको ज़रूरत लगे कि गाड़ी खोलने के बाद मैं एस्टिमेट दे पाऊंगा, तो उसको पहले कमिटमेंट कर दो, भाई गाड़ी खोल फिटिंग का लेबर मैं लूँगा, आपको खोलने के बाद एस्टिमेट दूंगा। अगर कस्टमर खोलने के बाद एस्टिमेट आप देते हो फिर बोलता है भाई मुझे इतने पैसे में नहीं काम करवाना है, तो खाली आप लेबर लेके उसको फ्री कर दो। आपका नज़र से भी एक डायग्नोसिस होता है, बहुत अच्छा डायग्नोसिस होता है, वो आप करके देखो, वर्कशॉप चलाने का मज़ा ही और। काफ़ी लोग बेल्ट और होस पाइप के ऊपर नज़र डालते नहीं हो, जब बेल्ट टूटता है तभी बेल्ट डालते हैं, जब भी होस पाइप टूटता है तभी होस पाइप डालते हैं। होस पाइप के ऊपर नज़र मारो, होस पाइप के ऊपर आप हाथ लगा के चेक करो, बेल्ट चेक करो कि बेल्ट की लाइफ कितनी है, बेल्ट टाइट हो गया है कि नहीं हो गया। बस बेल्ट का आवाज़ आता है तो लोग बेल्ट टाइट ही करते जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम बेल्ट बदलना भी चाहिए। ऐसा आप परफेक्टली डायग्नोसिस करके काम करोगे ना, तो आपको बहुत काम ईजी हो जाएगा।